हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त एंड होस्ट कृष्ण स्वागत करता है एक और नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, सुपर बाइक्स और फॉरेन साथी एनएच आपने बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन आज मैं आपको दिखाने वाला हूं ये गांव। ये हमारा गरीब वाला बाइक पल्सर 150 2010 का ही है, और ऐसे सड़कों में कोई सुपर बाइक नहीं चल सकती है। जो गाँव में सड़क बनते हैं जिनमें जहाँ जहाँ गड्ढे होते हैं, तो ऐसे में ऐसे बाइक ही काम आते हैं। और ये बहुत पुराना बाइक है और इसी को मैं रेगुलर यूज़ करता रहता हूँ। अभी इतने कैश में पैसे नहीं है ना कि लिया जा सके, तो भाइयो आप लोग सपोर्ट बना करके रखो, उसके बाद अपना भी दिन बदलेगा यार। एक दिन अपने पास भी होगी अच्छी खासी बाइक, साथ ही सुपर बाइक। तो फिलहाल मैं बात कर रहा था, आज गांव देखने वाले हैं, गांव में कैसे लोग रहते हैं, यहाँ खेती कैसे की जाती है, इन चीज़ों के बारे में। क्योंकि जो लोग बाहर से हों, शहरों में रहते हैं या देश विदेश से जो लोग देख रहे हैं, द पर्सन हु बिलोंग फ्रॉम फॉरेन कैन नॉट वॉच सच अ सीनरी, आज मैं उन लोगों को ये सारी चीज़ें दिखाने वाला हूँ। तो हमारे यहाँ की सड़कें ऐसी ही 10 फीट की होती है, और इन सड़कों के दोनों अगल बगल आप देख लो यार, इतने सामान रखे जाते हैं गाँव वालों के द्वारा, या 8 फीट की बन जाती है। अगर सही से दो गाड़ियाँ क्रॉस करनी हो वो नहीं कर सकती है। और इधर का खेत खलिहान आप ये देख लो, ये जो आप देख पा रहे हो, इन सारे चीज़ों से घर बनता था पहले। जो हमारे यहाँ के पुअर होते हैं, या जो विलेजर आप कह सकते हो, जो फूस का घर होता है, ये उसी के घर के लिए यहाँ उपजाया जाता है। ऑलमोस्ट यहाँ पानी होता है लगा हुआ, ये सारे जगह पे पानी होता है लगा हुआ, तो इसलिए यहाँ पर कोई और फसल नहीं लगाई जाती है। अभी जो फसल लगाई हुई है वो गेहूँ लगा हुआ है, और सरकार भी हमारे यहाँ पर ज़्यादा पहुँचती नहीं है, देखती नहीं है, कोई सर्वेक्षण नहीं है। अब बन गया एक बार यार, योजना आया, बन गया, दोबारा कौन देखने के लिए आता है इधर। और ये जो सामने फील्ड देख रहा है, ये आपको स्कूल का फील्ड देख रहा है, और अभी स्कूल में छुट्टी हो गई है, बच्चे सब तो जा रहे हैं अभी अपने घर पे। लेकिन गांव में आपको ज़मीन अच्छा मिल जाता है, इधर घर देखो, ज़मीन अच्छा मिलता है तो लोग घर अच्छे बनाते हैं इधर। बाकी जहाँ तहाँ धूल मिट्टी, यहाँ इधर आने के लिए आपको पूरा कवर करना पड़ेगा अपने हाथ अपने पैर को, क्योंकि यदि आपके ड्रेसेस वाइट वाले हैं तो वो तो ऐसे एक ही दिन में ख़राब हो जाना है। और ये जो सामने है, ये सोलर पैनल लग रहा है, सोलर पैनल टाइप है, इन फ्यूचर यह बनने वाला है। और ये इधर खेत में बड़े बड़े ब्रेकर, लेकिन इन लोगों का ये मानना है यदि ब्रेकर रहेगा तो गाड़ी यहाँ पर स्पीड नहीं चल पाएगी, वो तो स्लो ही चलेगी। और हमारे जो गांव में एक्सीडेंट करने वाले बच्चे होते हैं, वो बच्चे इधर कोई भरोसा नहीं है, कोई ही देख करके सड़क क्रॉस नहीं करता है। जब मर्जी तब सड़क क्रॉस कर लिया, बस आपको रुकना है। अगर गलती से उसे लग भी जाती है आपकी गाड़ी, तो गलती आपकी है ना कि उसकी है। अभी मैं जिस रास्ते में हूँ वो रास्ता है जेल पक्का रास्ता। मैं क्या बताऊँ यार, मैं परेशान हूँ, मैं जा रहा हूँ, दरअसल एक आदमी है, मैं अभी नाम तो उनका लूँगा नहीं, उनके यहाँ मेरे पैसे बचे हुए हैं और मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ, मैं जा रहा हूँ उनसे पैसे लेने के लिए यार, किसको दे दो कंटिन्यू। आजकल मुझे पता ही नहीं लग रहा है कि क्या बोलो। और ये देख लो, ये जो गाड़ी सामने जा रही है ये है स्कॉर्पियो N, और नंबर इसका हालांकि नई गाड़ी है, AF नहीं निकली हुई है, क्या ज़बरदस्त गाड़ी बनाई हुई है। लेकिन पीछे से यदि इसका मैं मॉडलिंग देखूँ तो या कुछ बिगनाइट टाइप की नहीं फील आ रही है पीछे से देखने से। हालांकि इसका यदि फील टेस्ट, जो क्रैश टेस्ट होता है, वो क्रैश टेस्ट इसका हुआ नहीं है, तो पता नहीं कितनी मजबूत है, लेकिन धुआंधार गाड़ी है। ये गाड़ी खरीदने का मतलब है भाई कि आपके पास में सही है, पैसे भी हैं और आप दबंगे भी हो। ये बिहार में इसकी निशानी है, स्कॉर्पियो फॉर्चुनर। और एज यूजुअल, जैसा कि मैंने बताया, मैं पहुंच चुका हूं अभी जेल चौक पे, और यही है वो चौक, सामने ढेर लगा हुआ है, छोटा मोटा दुकान इस गाँव में होता है, और इस यहाँ पर जो सब्ज़ियाँ बेची जाती है, ऐसे सड़क के किनारे सब्ज़ियाँ बेची जाती हैं। लाइक फॉरेन हम देख रहे हैं, अच्छा खासा दुकान में लगा करके नहीं, यहाँ सड़क पर बैठ जाते हैं और सब्ज़ियाँ बेचते हैं, क्योंकि सब्ज़ी बेचने वाले के पास भी पैसे नहीं होते इतने, तो वो लोग अपनी खेत में जाते हैं और फिर आते हैं कस्टमर को यहाँ पर देते हैं, कहीं कोई रेंट या वगैरह ये सब नहीं लगा। ये यहाँ पेड़ है, पेड़ के नीचे बरगद के नीचे यहाँ लोग पूजा पाठ करते हैं। मान्यता होती है कि भगवान का वास होता है बरगद में, पीपल में, और ये पुराने ज़माने का कुआँ। मैं आपको इस कुएँ की गहराई भी दिखा दूँ एक बार, ये पुराने ज़माने का कुआ जिसमें कि अभी पानी तो नहीं है, लेकिन कचरा वगैरह लोगों ने डाल करके इसको जाम कर दिया, भर दिया,
कितनी ठंडक भरी पानी होती थी, गर्मियों में एकमात्र सहारा होता था लोगों के स्नान करने का पहले। अब जगह 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 चापाकल आ गया है और नल जल योजना के तहत जगह जगह नल जल भी आ गया है, तो इन सारी चीज़ों पर अब ध्यान नहीं जाता लोगों का, लेकिन भूमिगत जल का जो आनंद था वो अब और कहीं नहीं मिलता। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय।